इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमती आशा देवी, श्री नेमी चंद जैन, कोठादार जतारा, पुत्र वधु एवं पुत्र श्रीमती वर्षा, श्री हृदेश कुमार जैन कोठादार जतारा, पुत्र ईशु जैन कोठादार जतारा, आर्जव जैन, अभिरल जैन कोठादार, कोठादार परिवार जतारा, दीदी एवं जीजा जी श्रीमती नेहा, श्री राहुल जैन कठरिया दमू, भांजी एवं भांजा कनिका जैन, रियांश जैन कठरिया, समस्त कठरिया परिवार दमू, दीदी एवं जीजा जी श्रीमती मेघा, श्री अमित जैन सिंघई झांसी, भांजी आनवी जैन एवं समस्त सिंघई परिवार झांसी। और सबसे विपरीत काम करते हुए आप ही दिखते हो। आने वाली पीढ़ी क्या देखेगी? आने वाली पीढ़ी क्या दिखेगी? आने वाली पीढ़ी क्या दिखेगी? विश्वास मानो, आप जो सिखाओगे माँ, वह आने वाली पीढ़ी सीखने वाली नहीं है। आप जो दिखाओगे ना, वह आने वाली पीढ़ी सीखने वाली है। क्योंकि कानों के उपदेश, कानों का व्याख्यान, कानों का ज्ञान मात्र कानों तक सीमित होता है। दूसरा कान मिला है, निकल जाता है। पर आँखों का जो ज्ञान होता है, आँखों से जो उपदेश प्राप्त होता है, आँखों से जो निर्णय होता है, वो जीवन भर तक के लिए होता है। मैं पुनः पूछ रहा हूँ श्राव को, आप आने वाले पीढ़ी को क्या श्रावकाचार दे के जा रहे हो? क्या श्रावकाचार दे के जा रहे हो? विचार करो। हम जब स्वयं ही संस्कारित नहीं हो पाएंगे, स्वयं ही श्रावकों के गुणों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, फिर आने वाले पीढ़ी को और आने वाली बच्चों को क्या खाक कहेंगे? बेटा, श्रावक कुल में जन्मे हो, श्रावक बनो। कितने श्रावक है यहाँ बैठे हैं? कितने श्रावक है? 8 मूल गुण कितनों ने प्राप्त किए? सप्त व्यसन का त्याग कितनों का है? 6 आवश्यकों का पालन कौन करता है? महाराज ये क्या कह रहे हैं? हम आज तक इनको सुना ही नहीं है। बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जिन्हों 6 आवश्यक 8 मूल गुण क्या होते ये पता ही नहीं है। साधु के 28 मूल गुण तो गोधा जी को पता है, पर श्रावकों के 8 गुण बड़ी विडंबना है। दूसरों के गुण दोष खोजेंगे, किनमें क्या कमी है, किनमें क्या ज्यादा है, ये तो दिखाई दे रहा है, पर मेरे 8 मूल गुण है क्या? सप्त व्यसन का त्याग, फिर किस लिए श्रावक? किस लिए श्रावक? वह श्रावक निर्ग्रंथों के हाथ पर दान रखने की भी योग्यता मान नहीं रखता है जिसके पास 8 मूल गुण नहीं है। हाँ, इतना ही नहीं, आचार्य ने तो कितना तक कह दिया, जिनवाणी सुनने की भी योग्यता उसके पास नहीं है। जो 8 मूल गुण को धारण नहीं कर सकता, वह कभी जिनवाणी सुनने की सामर्थ्य ही नहीं रख सकता, क्योंकि सम्यक दृष्टि है ही नहीं। जिसके पास श्रद्धा होगी, जो सम्यक दृष्टि होगा, वह श्रावकाचार का पालन करेगा, 8 मूल गुण धारण करेगा, 6 आवश्यकों का पालन करेगा। जानते हैं 6 आवश्यक? शब्दों में तो 2-4 लोग जानते होंगे, पर प्रतिदिन उन 6 आवश्यकों का पालन होता है? छोड़ो 6 नहीं, 2 आवश्यक, दान पूजा, जिनको कुंद भगवान ने मुख्य कहा। नहीं, हमारी कॉलोनी में आएंगे, हम चौका लगा लेंगे तो दे देंगे ना महाराज जी, हार हो जाएगा हमारा काम। नहीं, दान पूजा ये श्रावक का कर्तव्य था, ध्यान अध्ययन ये साधु का कर्तव्य था। दोनों को एक साथ समझा रहे हैं। अगर वास्तव में ये श्रावकाचार पूरे ब्रह्मांड में और पूरे देश में, और देश में मैं नहीं कह रहा हूँ, कम से कम जैन समाज में ही, घर घर में श्रावकाचार अगर हो जाए ना, तो विश्व शांति अपने आप हो जाएगी। यज्ञ हवन करने से विश्व शांति होने लग जाती तो गली मोहल्ले में तो कितने विश्व शांति के हवन और यज्ञ होते हैं ना। पर क्या करें, जीव अपने आप से शुरुआत ही नहीं करना चाहता, अपने आप को श्रावक बनाना ही नहीं चाहता, कैसे शांति मिले? माँ बोलो ना, घर में शांति है? हाँ बोल रहा हूँ, है ना? क्यों नहीं है?
दूसरे जीवों की विराधना करोगे, दूसरों की हिंसा करोगे, दूसरों को कुचलोगे, दूसरों को मारोगे, घर में शांति मिलेगी? बुरी लग सकती है मेरी बातें, पर घर में हिंसा नहीं होती ना। कितनी कितनी जीवों की हिंसा प्रतिदिन आप गृहस्थी के निमित्त से कर रहे हो, जब उन छोटे छोटे जीवों को कुचल रहे हो। और छोटे जीवों की छोड़ दो, कितने पंचेंद्रीय जीवों को नहीं करते, कितने पंचेंद्रीय जीवों की विराधना करते हैं, भले ही कोई शस्त्र अस्त्र से नहीं करते हैं, छुरी चाकू से नहीं करते हैं, पर उससे भी तेज चलने वाली, इधर से वचन समाप्त नहीं हुए, छूट निकली गाली। ये हिंसा नहीं थी, ये पाप नहीं था, ये कुशील नहीं था। जानते तो सब है महाराज जी, पर मानते नहीं है और मानना भी नहीं है। क्या करें, मानोगे नहीं तो सुधार नहीं होगा, मानोगे नहीं तो सुधार होने वाला नहीं है। वह देने वाला, दान देने वाला भी, दान लेने वाला भी, मतलब श्रावक भी और साधु भी, दोनों को अपने आचरण का, अपने क्रियाओं का, अपने चारित्र का ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि आत्मरक्षा से ही धर्म रक्षा है और धर्म रक्षा से ही आत्मरक्षा है। दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है, इसलिए धर्म आत्मरक्षा और पररक्षा पूर्वक एक श्रावकाचार और एक श्रमणाचार रूप व्याख्यायित किया गया। हर कोई शांति को प्राप्त करना चाहता है, आप लोग नहीं चाहते ना? चाहते तो है, पर पुरुषार्थ शांति का है कि अशांति का? अशांति का है। जहाँ राग द्वेष विषय कषाय मिथ्यात् आवृत्ति प्रमाद, यह जो जहाँ जहाँ होगा नियम से वहाँ शांति ही होगी। भाव तो यही है, विचार तो यही है, शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, पर तैयारी किसकी चल रही है, नौकर्म किसके चल रहे हैं? पापों के ही तो चल रहे हैं। पूरा समय 24 घंटे में से पूरा समय पापों का ही कार्य चल रहा है। कह सकते हैं रात में तो हम सोते हैं, वहां कहाँ पाप करते हैं? जितने पाप दिन में नहीं करते ना, जितने पाप मोदी जी दिन में नहीं कर पा रहे हैं, उससे कई अधिक गुना पाप स्वप्न में सोचते निद्रा में आप कर चुके। हाँ, भले ही निद्रा का सोने का समय अल्प है, पर ध्यान रखना मन में जो खोटे विचार दिन भर आप नहीं कर पाए हो ना, वही पुनः स्वप्न में आते हैं और वही पुनः भोगते हुए, उसका आनंद लेते हुए कर्म बंध करते हैं। यह आज के कर्म बंध आने वाले समय के लिए तुम्हारे लिए बहुत दुखदाई है। और दूसरों के द्रव्य प्राणों की, भाव प्राणों की हिंसा हो नहीं हो, पर मैंने विपरीत सोच के, विपरीत कार्य करके अपने आत्मा की कितनी वंचना की, मैंने अपने आप की कितनी भाव हिंसा की, इसके बारे में सोचो। जहाँ जहाँ पर पे दृष्टि गई, दूसरों की हिंसा के भाव हुए, उसकी हिंसा हो अथवा ना हो, पर मैंने अपने पुण्य की, अपने धर्म की, अपने भावों की, अपने स्वयं की तो हिंसा कर ली। वह मात्र अपने नाम के लिए जीने वाला, अपने नाम के लिए जीने वाला, अपने काम के लिए जीने वाला, अपने जीने के लिए जीने वाला महाघोर हिंसक है, घोर हिंसक है। उसे दूसरे जीव की बारे में, जीव द्रव्य है, उसका भी जीवन है, वो भी धर्मात्मा है, ये कभी उसका विचार होता ही नहीं है। वह किस बात का श्रावक? जीने के लिए मत जियो, ना मरने के लिए जियो। अगर जीना ही है तो धर्म के लिए जीने का प्रयास करो।
जीने के लिए जीने वाले, वह जीने के लिए खाने वाले और खाने के लिए जीने वाले भी संसार में बहुत सारे हैं। किस लिए जी रहे? बहुत सारे खाने के लिए जी रहे और बहुत सारे कमाने के लिए जी रहे हैं। कमाने के लिए मत जियो, ये द्रव्य कमाने से जीवन बदलने वाला नहीं है। अरे द्रव्य ही कमाना था तो आत्म द्रव्य तक पहुंचने के लिए ये पुण्य रूपी पदार्थ को प्राप्त कर लेते, जिससे कुछ तो कल्याण बनता, जिससे कुछ तो कल्याण होता। पर क्या करे, जीने के लिए, धन कमाने के लिए, दिखाने के लिए, कसायों की पुष्टि के लिए जीव जीना सीख चुका है। और ऐसा जीव श्रावक नहीं, कसाई है, हिंसक है, नियम से हिंसक है। ये विचार करो, आज आज एक पर्याय मात्र आपकी जीवन नहीं है। आज तो आप छल कपट मायाचारी हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह सब कुछ कर सकते हो, पर पर्याय में मात्र जीने के लिए मत जियो। अगली पर्याय में भी तुम्हें जीना है। ये कर्म अगली पर्याय में तुम्हें ही दुख देने वाले हैं, ये निर्णय करके जीना। इस जीवन के बाद भी जीवन है, इस मृत्यु के बाद भी जीवन है। ये जो सोचकर जीता है, ये जो समझकर जीता है, वह नियम से अपने भीतर विषय कषायों का विसर्जन करने का ही प्रयास करता है। कर लो, रिड्यूस कर लो अपनी कषायों को, अपने विषयों को, अपनी वासनाओं को, अपने पापों को कम कर लो। और तभी संभव है जब तुम श्रावकाचार में जीने का श्राव को प्रयास करो, साधु श्रवणाचार में जीने का प्रयास करे। कोरी विश्व शांति की चर्चा और सौहार्दता हो जाए, सुगंधितता हो जाए, ऐसा कहने से काम नहीं होगा। मुझे स्वयं उस विश्व शांति के लिए आत्म शांति का पुरुषार्थ प्रारंभ करना होगा। कहाँ मिलेगी शांति? कहाँ मिलेगी सहलू भाई शांति? चंद्रप्रभु भगवान के पास? मेरे पास भी नहीं मिलेगी, मेरे पास भी नहीं मिलेगी सहलू भाई। ये बहुत बड़ी भूल जीव करता है कि देव सास गुरु के पास पहुंच जाऊंगा, शांति मिलेगी। बिल्कुल नहीं। मेरे साथ आके भी छल कपट करने वाले संसार में बहुत सारे हैं, मुझसे भी झूठ बोल के जाने वाले बहुत सारे हैं, तो क्या उनको शांति मिल गई? झूठ बोलने का आनंद मिल गया होगा, मैं महाराज को ठग के आ गया, झूठ बोल के आया, इसकी तो शांति मिल सकती है। पर ये शांति नहीं थी। गुरु के पास शांति नहीं है, प्रभु के पास शांति नहीं है, जिनवाणी भी शांति नहीं है। शांति तो मेरे ही पास थी। अगर मैं शांत हूँ तो देव सास गुरु भी हमारे लिए शांति के कर्म निर्जरा के लिए निमित्त बनते हैं, और भीतर शांति नहीं है तो वही कर्म बंध के लिए कारण बनते हैं। शांति किसी दूसरे के पास नहीं है, मेरे भीतर अगर शांति है, मैं अगर खुश हूं तो मुझे वह चंद्रमा भी मुस्कुराते हुए दिखता है। अगर व्यक्ति स्वयं में खुश है, माँ देखना कभी अनुभव कर लेना, जब बहुत आनंदित होता है तो वह फूल पौधे पेड़ भी बगीचा के मुस्कुराते हुए दिखते हैं। और जब मूड अच्छा नहीं होता है ना, तो वही चांद और चांदनी भी काटने को दौड़ती है। सत्य है, जब भीतर शांति का अनुभवन होता है, भीतर खुशियां होती है, भीतर सुखी होता है, तब वह बजने वाला बैंड भी कुछ भी बज रहा है, हमें अच्छी धुन सुनाई देती है। और जब हम थके हारे हैं, कितना ही सुंदर संगीत है, अरे यार बंद तो कर दो, क्या बजा रहा है। और जब हम प्रसन्न होते तो कैसे ही बज रहा है, हम उस धुन में हम अपने आप को और आनंदित करते हैं। सत्यता यही है। जैसे बाहर के इन गुणों में, बाहर के इन क्रियाओं में हम अपने आप को उद्घाटित करते हैं, ऐसे धर्म में भी हम अपने आप को, अपने भीतर की शांति को प्रकट करने का अनुभवन करें। ये निर्णय कर लो, मात्र वर्तमान का जीवन ही जीना नहीं है। ये जीवन के बाद भी जीवन है, अगली पर्याय का, इस मृत्यु के बाद भी जीवन है, ये जानता है सम्यक दृष्टि।
ये जानता है सम्यक दृष्टि, और इसलिए वो इतना शांति से जो हो रहा है उसे देखने का समझने का प्रयास करता है। कभी 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 उत्तेजित होते हुए विपरीत कार्य करने का प्रयास करता ही नहीं है। धर्म ध्यान करने का, विपाक विचय करने का निर्णय करता है, ठीक है ये मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे किसी ने सुनाया, मुझे किसी ने धोखा दिया, या पिछली पर्याय का कुछ कर्म का नियोग था, ये बेचारा ये तो निमित्त बन के आया है, कर्म तो मेरा है, ये बेचारा निमित्त बन के आया, ये सम्यक दृष्टि सोचता है। आप क्या सोचते हो? मिलने तो दो, बाहर चल, तू बता रहा हूं, हो गया काम तमाम। हम धर्मात्मा को धर्मात्मा नहीं देख पा रहे, हम इंसान को इंसान नहीं देख पा रहे हैं, फिर भगवान को भगवान और गुरु को गुरु क्या खाक देख पाओगे? बगल में बैठे हुए इंसान में इंसानियत नहीं दिख रही है माँ, उसमें गुण नहीं दिख रहा है, अपने भीतर सम्यक रूपी गुण नहीं है, तो क्या पात्र और क्या अपात्र, क्या गुरु और क्या कुगुरु, कुछ विवेक ही नहीं होगा। ये श्रावकों का कर्तव्य था दान पूजा, इसलिए श्रावकाचार कहा, और साधु का कर्तव्य था श्रवणाचार रूपी ध्यान अध्ययन। जो तूने आहार श्रावकों से ग्रहण किया है, उस आहार का सदुपयोग तो ज्ञान ध्यान तपस्या धर्म साधना के लिए कर, तो ही तू पात्र है, अन्यथा अपात्र है। श्रावक भी पात्र है दान देने की योग्यता, पुनः पुनः कह रहा हूँ श्रावकों, मात्र और मात्र ये श्रावक कुल ही एक ऐसा है जिसमें आप भावी सिद्ध निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास रख सकते हो। एकमात्र ये धन्य श्रावक पर्याय है, पर कितना दुरुपयोग कर रहे हो, पात्र बनने के बाद भी अपात्र और कुपात्र बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता है। दोनों पात्र है, एक दान ग्रहण करने वाला, एक दान देने वाला, पर दोनों भी अपात्रता का परिचय दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्रावकाचार और श्रवणाचार समझने का पुरुषार्थ ही नहीं किया। अरे जो रागी है, जो रागी द्वेषी है, उसको तुमने रोटी खिलाई, ये दान है? नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम गरीबों को खिलाते हैं, मंदिरों में देने से क्या आवश्यकता, वो तो वैसे ही इतने सारे पैसे मंदिरों में रखे हैं। ठीक है, पर दान वही है जहां आवश्यकता थी, दान उसी के लिए है जो सम्यक दर्शन के साथ है। भिखारियों को तुमने दे दिया, वो दया हो गई, पुण्य मिलेगा, पर वो दान नहीं कहलाता। दान भिन्न है और दया दत्ती भिन्न है। ये दया है त्रियंचों को खिलाना, वह गौशाला में गायों की सरकार रक्षा करना, ये पुण्य का श्रेष्ठ कार्य है, अहिंसा का कार्य है, पर इसे दान मत कह दो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमती आशा देवी, श्री नेमी चंद जैन, कोठादार जतारा, पुत्र वधु एवं पुत्र श्रीमती वर्षा, श्री हृदेश कुमार जैन कोठादार जतारा, पुत्र ईशु जैन कोठादार जतारा, आर्जव जैन, अभिरल जैन कोठादार, कोठादार परिवार जतारा, दीदी एवं जीजाजी श्रीमती नेहा, श्री राहुल जैन कठरिया दमू, भांजी एवं भांजा कनिका जैन, रियांश जैन कठरिया, समस्त कठरिया परिवार दमू, दीदी एवं जीजाजी श्रीमती मेघा, श्री अमित जैन सिंघई झांसी, भांजी आनवी जैन एवं समस्त सिंघई परिवार झांसी।